सारी फ्रेंड्स सभी मोमिनीन को सब अपने मुसलमान भाई बहनों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। मैं उनको कहना चाहती हूँ आज ईद गदीर है, सबको मेरी तरफ से ईद गदीर मुबारक। ये ईद गदीर इसलिए मनाया जाए, हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज हजरत अली अलैहिस्सलाम को हमारा वली बनाया गया था, उन्होंने उनको हुक्म दिया था कि आप आज से वली हैं, तो इसलिए हम ये ईद गदीर मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अजीम दिन है आज। मैं सबको अपनी तरफ से ईद गदीर मुबारक देना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे अगर मस्जिद इमाम बाड़े में हमारे जो भी यहाँ पे अभी मतलब मस्जिद से चल रही है वो अभी बंद है, तो अपने SOPs सारे फॉलो करें प्लीज़, बिकॉज COVID-19 चल रहा है, तो अपने सारे SOPs वो फॉलो करें। बाकी मैं सबको अपनी तरफ से ईद गदीर मुबारक देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज करके आए थे कि भी वो रास्ते में चल रहे थे कि बीच में आया था एक जगह जिसका नाम था गदीर खुम। रबुल करीम की तरफ से हज़रत जबरील को बताया गया कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशेद दे दो, जो तक जो आज तक आपने काम किया अभी नामुकम्मल है। आज गदीर खुम का मतलब है कि अपना जानशीन बना दो। इसका मतलब है कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट का वो जो पालन पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा कर दिए तो उसी पर चढ़ गया कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक उनको मैसेज पहुँचानी थी कि ये बारी तआला से हुक्म है कि मैं अपना जानशीन बनाऊँगा। उसी वक्त उसने ऐलान किया था कि जिनका मैं मौला हूँ उनका अली मौला भी अलैहिस्सलाम मौला है। तो अलबत्ता सब से बड़ा यही हमारे मुसलमानों में यही बड़ा एक दिन है ईद गदीर जिसको बोलते हैं कि उसी दिन जनाब सरवर कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबों को बताया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला भी मौला है, जिसका मैं ये अली मौला है वो मेरा मैं उसका मौला हूँ। तमाम मुसलमान भाइयों से मैं सलाम करता हूँ और इस दिन का बड़ा मुबारक है उनके लिए। अलबत्ता मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कि सबसे बड़ी हिफाजत है ये जो इस वक्त कोविड चल रहा है कि मैं आप सबों को इल्तिमास करता हूँ कि जहालत मत दिखाइए, क्योंकि हर एक इंसान जो जहालत दिखाता है उसको जहालत का नुकसान उठाना पड़ता है। मेहरबानी तो मेहरबानी करके इसका फॉलो कर लीजिए, मास्क पहन लीजिए, कोई ऐसा वो काम कर लीजिए कि जिसमें हमें तकलीफ ना उठानी पड़े। शुक्रिया।